साधु आत्मदाह के बाद अब सियासत गर्मा रही है, क्योंकि कल श्रद्धांजलि बाबा विजयदास ने जो आत्मदाह किया था उनको श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था। साधु संतों ने काफ़ी संख्या में भाग लिया, स्थानीय क्षेत्र के लोग भी थे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित कई बीजेपी के सांसद और पदाधिकारी कल वहाँ पहुँचे थे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान साधु संतों के इस धार्मिक मंच के माध्यम से बीजेपी नेताओं द्वारा धार्मिक भाषण भी किए गए। बीजेपी के जो नेता आए थे, जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसी का नतीजा है कि उदयपुर में गला काटा गया, भीलवाड़ा और जोधपुर में घटना हुई, करौली में हिंसा हुई और उसके बाद भरतपुर में एक बाबा को बलिदान देना पड़ा, एक आत्मदाह उनको करना पड़ा। खनन कार्यों को बंद करने को लेकर आदि बद्रीनाथ और कंकाचल पर्वत से जिस तरह से खनन कार्य चल रहा था, वैध अवैध, उनको बंद करने की मांग को लेकर साधु संत 550 दिन से धरना दे रहे थे। ये जो पूरा प्रकरण था ये कांग्रेस सरकार में भी चला, बीजेपी सरकार में भी चला। कहते हैं और जो जानकारी मिल पाई है कि इन दो पर्वतों पर खनन कार्य की परमिशन देने की शुरुआत बीजेपी गवर्नमेंट से हुई थी, वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन ये जो सरकार है गूंगी भैरी और लंगड़ी सरकार, यह नहीं चेत पाई थी, सो गई थी। और नौ जब ये बाबा ने आत्मदाह कर लिया, उनकी मौत हो गई, तो उसके 24 घंटे बाद यह सरकार जाग गई थी। बाबा की मौत का जिम्मेदार कांग्रेस सरकार को माना जाता है। आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है, सबसे पहले तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं उनको आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार, कांग्रेस सरकार को गिराने में जो आरोप लगे थे, जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी वॉइस सैंपल देने को मैं तैयार हूं, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वॉइस सैंपल देने से क्यों परहेज़ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कि जब मानेसर कांड हुआ था और सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की बात कही थी, आरोप ये भी लगाया था कि बीजेपी के लोग सरकार को गिराना चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत की कोई बात भी हुई थी, उस पर आज क्लियर कट कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि FIR दर्ज जिसमें राजस्थान सरकार ने की है, मैं उस वॉइस सैंपल को देने को तैयार हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत तैयार हों तो आप आ जाइए मैदान में। आखिर ये बड़ा सवाल है कि गजेंद्र सिंह शेखावत वॉइस सैंपल देने को तैयार क्यों नहीं है। क्या उन्होंने राजस्थान कांग्रेस सरकार को गिराने में कोई भूमिका निभाई थी या किसी अन्य लोगों से बात की थी, क्या कोई लेनदेन का मामला था, ये भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल साधु आत्मदाह का जो मामला था, जो उनकी मांगें थीं खनन क्षेत्र को बंद करने की, खनन कार्य सभी क्रेशर हैं उनको बंद करने की, जो खनन कार्य चल रहे थे वहाँ से विद्युत कनेक्शन को कट ऑफ करने की, वो सब सरकार और जिला प्रशासन आदेश जारी कर दिए हैं। इस पूरे इलाके को माइनिंग विभाग से फॉरेस्ट विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया है। साधु संतों का जो श्रद्धांजलि सभा था, भागवत कथा चल रही थी, कल जो सम्मेलन था उसमें ये ज़रूर देखा गया था कि कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बीजेपी इस समय जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है, और ये बिल्कुल सत्य भी माना जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं या लोकसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर बुहराना चाहती है। कांग्रेस ईस्टर्न कैनाल को एक मुद्दा बनाना चाहती है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने यह भी पूछा है गजेंद्र सिंह शेखावत से कि जब आप जल शक्ति मंत्री हैं, इस प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वॉइस सैंपल सरकार को गिराने में अगर आपकी भूमिका थी या नहीं थी, तो आप वॉइस सैंपल देने को तैयार क्यों नहीं हैं। ईस्टर्न कैनाल ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए आपकी कोई बात क्यों नहीं मान रहा है केंद्र सरकार में, तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के इस दरमियान जनता को ही तय करना होगा और समझना होगा कि कौन सच है कौन झूठ है।